सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। के साथ हुई हिंसा की मामले की आग जो है अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलते जा रही है। तमाम विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो है हमलावर है और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जो है वो लगातार जता रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के दादर इलाके में। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी सहित अलग अलग संगठन जो है इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ हमलावर है, नारेबाजी कर रहे हैं। इस अगर आंदोलन की बात करें तो आम आदमी पार्टी सहित समाजवादी पार्टी, CPI, ट्रेड यूनियन के कुछ कार्यकर्ता हैं जो दादर स्टेशन के ठीक बाहर इस समय आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार के दिन जो है लखीमपुर में चार किसानों को एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे के काफिले से कुचल दिया गया था, जिसके बाद हिंसा हुई और इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के खिलाफ में जो है लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और सोमवार के दिन कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप? ये जो खूनी इन्होंने गाड़ी चलाई है अपनी किसानों के ऊपर, ये बहुत ही धिक्कार है। सरकार पे ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। योगी आदित्यनाथ इन सबके पीछे है ऐसा लगता है। और उनका जब पता चल गया कि उनके गृह मंत्री का बेटा है तो उसको फिर छोड़ दिया, कैसा है ये? उसके ऊपर इनको मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए, 302 के अंदर उसको अंदर करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं ये सरकार को, इनको इस्तीफा देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। हमारी ये मांग है वहाँ पे, तो मांग है योगी सरकार के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी का गुस्सा वो देखने को मिल रहा है और सीधे सीधे मंत्री का इस्तीफा जो है मांगने की मांग जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो बता दें कि सोमवार के दिन कई नेता को जो है उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया। ये सभी नेता जो है लखीमपुर की ओर जो है रुक कर रहे थे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन तमाम बड़े नेता विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में काफी बवाल जो है वो होता जा रहा है। मुंबई में भी इस तरह का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। सोमवार के दिन जो है मुंबई में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट भी आए थे और यहाँ पर उन्होंने जो है मुंबई में आंदोलन किया था।